प्रातः क्लास चल रहा था 20/11/1967 सोमवार को 30 के पेज के अंतिम पांचवी लाइन में बात चल रही थी कि बच्चों ने समझा है कि जो हठयोग सन्यासी हैं वो कोई राजयोग सन्यासी तो नहीं है। जो राज भरा योग सिखाते हैं और रिजल्ट में राजाई राजयोग से ही दिलाते हैं। राजयोग सिखाने वाला तो एक ही बाप है जो राजयोग सिखा करके तुम आत्माओं को जन्म जन्मांतर की राजाई दिलाता है। तो हठयोगी कभी भी राजयोग नहीं सिखला सके और राजयोगी हठयोगी नहीं सिखला सके, क्योंकि पौड़ी नीचे कैसे ले जाएंगे तो इनकी सिखाए नहीं बिल्कुल अलग है। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण, तमो प्रधान होने के कारण वो कुछ बुद्धि से समझते ही नहीं है कि तमो प्रधान को तुच्छ बुद्धि पत्थर बुद्धि कहा जाता है। समझा ना? और ये किसने कहा है? भगवान वाच है। बीस ग्यारह 1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज भगवान वाच है, के तुच्छ बुद्धि है पत्थर बुद्धि है। लेकिन ये किसको कहा है? है भगवान वाच, भगवान ने जब वाच किया ब्रह्मा के मुख से, साक्षात ब्रह्मा के मुख से ही वाच किया होगा ना, तो किसको कहा? दुनिया वालों को कहा? किसको कहा? अपने ब्राह्मण बच्चों को कहा कि तुम पत्थर बुद्धि हो गए हो, है अभी आकर के पार्श बुद्धि बनो। कहां आकर के है? अभी तक तुम पत्थर बुद्धि 1967 तक बताया है, अभी कहां आकर के पार्श बुद्धि बनो है? जो भी मुकर्रर रथ है ना बाप का, उसके सन्मुख आकर के सुनो, तब पारस बुद्धि बनो। क्योंकि दुनिया में ये जो भी मनुष्य मात्र हैं, इस सारी दुनिया में वो सभी पत्थर बुद्धि हैं, तमो प्रधान पतित बुद्धि। देखो जरूर पतित बुद्धि ही होंगे ना, क्योंकि पावन बुद्धि कहाँ होते हैं? कौन से युग में? पावन बुद्धि सतयुग में होते हैं, है? और अभी सतयुग है क्या? है सतयुग तो नहीं है। तुम ब्राह्मण बच्चे कहेंगे कि हम सतयुग में हैं? नहीं, कोई सतयुग में नहीं कह सकता, संगम युग में है। वो भी कहें कि हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, तो फिर कौन है पुरुषों में उत्तम, सो तो जानना चाहिए है। हाँ, अगर कहें कि दादा लेखराज ब्रह्मा वो पुरुषोत्तम, वो तो सूक्ष्म शरीरधारी बन गया, तो पुरुषोत्तम कैसे हुआ? पुरुषोत्तम तो देवताएं होते हैं, तो देवताओं की पूजा होती है,
मंदिर बनते हैं है? क्या भूत प्रेतों के मंदिर बनते हैं क्या है? भूत प्रेतों की विधर्मी आत्माएं पूजा करती हैं, विदेशी आत्माएं हैं, है? विदेशी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स के भारतवासी जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो भूत प्रेतों को मान, अगर मानते भी हैं तो जरूर उन विधर्मियों से प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं जो तांत्रिकों के पीछे पड़ती रहती हैं, क्या औलियों के पीछे पड़ती रहती है। गंदी विद्या है क्या भूत प्रेतों की पूजा करना? नहीं तो देखो उस गीता में भी बताया, शास्त्रीय गीता में भी बता दिया, मेरे फॉलोअर्स मेरे उपासना करने वाले मेरे से प्राप्ति करते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं और भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो जो भूत प्रेतों की उपासना करेंगे तो क्या बनेंगे? भूत प्रेत बनेंगे। हाँ, देवी देवता तो बन ना सके। तो बताया, सब कहेंगे इस दुनिया में कि अभी क्या है, पत्थर बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि, पतित बुद्धि, क्योंकि अभी सत्युग थोड़ा ही आ गया है। यहां कलयुग में तो सब पतित बुद्धि होते हैं, चाहे वो अपन को कहें कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, ब्राह्मण बन गए, लेकिन कौन से ब्रह्मा की औलाद है? क्या कहेंगे? अधोमुखी ब्रह्मा की औलाद है या ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा की औलाद है? ऊंचते ऊंच ब्रह्मा जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है उसकी औलाद है? नहीं, पहचानते ही नहीं है तो औलाद कहां से हो गए? तो तुम यहां कभी भी किसी को पावन आत्मा कभी नहीं कह सकते हो। क्या कहा? तुम बच्चे भी क्या किसी को पावन आत्मा कह सकते हो? किसी को नहीं कह सकते, सब पतित बुद्धि। जरूर तुम पतित आत्मा ही कहेंगे, क्योंकि पावन आत्मा के लिए तो पुकारते हैं ना। क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ, एकदम 100% पावन आत्मा बनती है ना, है? पहले पतित थी, पुरुषार्थ करके फिर क्या बनती? पावन बनती। जब पावन बनती तो सतयुग हुआ उसके लिए कि कलयुग हुआ? सतयुग हुआ। तो वो एक ही शरीर है जो पतित भी कहें और पावन भी कहें, श्याम भी कहें और सुंदर भी कहें। ऐसे थोड़े ही जैसे तुम ब्राह्मण बच्चों ने पहले समझ लिया था या कोई ब्राह्मण अभी भी समझते हैं कि दादा लेकर आज ब्रह्मा ऐसे जन्म में पतित और सतयुग में नया शरीर लेंगे तो पावन बन जाएंगे। ऐसे दो शरीरों का नाम है श्याम सुंदर? नहीं, एक ही शरीरधारी का नाम है जो पुरुषार्थी जीवन में पतित और पुरुषार्थ संपन्न होता है तो क्या बन जाता? पावन बन जाता है। जब बन जाता है तब तुम प्रैक्टिकल में पुकारते हो, हैं? हे पतित पावन आओ, आओ आओ कह करके शूटिंग करते हो या नहीं करते हो? रिहर्सल करते हो, आओ अब हमसे नहीं रहा जाता, आ जाओ। क्या बुलाते हो या नहीं बुलाते हो? या 2500 साल की तरह बुलाते रहते हो, आता है ही नहीं? नहीं, बुलाते भी हो और प्रैक्टिकल में होता है तो आता भी है। अरे इस दुनिया में होगा तभी तो आएगा ना। तो आ करके हमको पतित से पावन बनाओ।
आ करके अपने संग का रंग लगाओ। कैसे? चाहे मुख से लगाओ, चाहे कानों से, चाहे आंख से, ज्ञान इंद्रियों से। अरे कोई कोई तो ऐसे हैं जो ज्ञान इंद्रियों की बात तो उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठती कि भगवान बाप आकर के ज्ञान इंद्रियों से और उनसे भी ऊंची जो मनसा है, मन बुद्धि, उससे मानसी सृष्टि बनाते और देवताओं की ज्ञान इंद्रियों की सृष्टि चलती है, उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो बताया कैसे भी करके हमको पतित से पावन बनाओ। तो पर जब बाप आकर के ब्राह्मणों को बनाएंगे तभी तो पावन होंगे। कि जैसे 2500 साल कलयुग में आते हैं नहीं, बुलाते रहते हैं तो पावन हो जाते हैं? नहीं हो जाते। तो आवेंगे और आ करके प्रैक्टिकल में संग के रंग से पावन बनावेंगे। पतित कैसे बने? कैसे बने देवताएं पतित? आधा कल्प तो पावन थे सतयुग त्रेता में, फिर द्वैतवादी द्वापर युग में जहाँ दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मत, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, अब द्वैतवाद दो से चार, चार से आठ होने लगा, तो पतित कैसे बने? अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने। और अनेक भी कैसे? स्वधर्मी या विधर्मी, आत्मा के धर्म को मानने वाले या देह के धर्म को मानने वाले? देह धर्म, विधर्म, विधर्मी भी और विदेशी भी। कि भारतवासी अपना धर्म कहाँ स्थापन करते हैं? विदेशों में कि भारत में? विदेशों। तो विदेशी भी हैं, विधर्मी भी हैं, हैं? और वो तो पावन बना ही नहीं सकते। और ही क्या बनावेंगे? संग के रंग से एक तो खुद भी पतित बनते हैं भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से, और द्वैतवादी द्वापर युग से जब से इब्राहिम आया तब से जो भी संग के रंग में आएंगे सबको क्या बनावेंगे? पतित ही बनावेंगे। तो देखो पतित है सारी दुनिया, तुम क्या समझते हो अपन को? तुम ब्राह्मण भी तो अभी यही कहेंगे हम तो कलयुग में है ना, सतयुग थोड़े ही देवता बन गए सतयुग में है ना, आदि सतयुग है, विष्णु लोक बन गया, अतीन्द्रिय सुख भोग है वो भी नहीं, तो पतित है ना। पावन बनने के लिए तो जो पतित है वो तो जानते ही नहीं है कि पावन कैसे बना जाता है। अभी पता चल गया कैसे पावन बना जाता है क्या? कैसे पावन बना जाता है? ऊंचते ऊंचे एक के से नहीं तो तुम कोई को भी एक को पकड़ लो, गधा उल्लू पाजी को, तो पावन बन जाएंगे। एक की बात नहीं है, ऊंचते ऊंच जो इस दुनिया में ऊंचते ऊंच भगवंत कहा जाता है ना, ऊंचते ऊंच जो भगवान है उसको पहचान करके, जान करके, मान करके फिर पावन बन सकते हो। पावन बनने के लिए तो कोई जानते ही नहीं है वो है कौन और कहाँ है, कोई जानते हैं? अरे इसे कलयुग की दुनिया में कोई जानते हैं? कोई नहीं जानते कि वो पुरुषोत्तम जो पुरुष ने आत्माओं को संग के रंग से एक ही पुरुषोत्तम सारे संसार को नंबरवार उत्तम बनाता है। नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे ना संसार में, तो उत्तम बनेंगे।
तो ये कहते हैं मुख से बुद्धि से हे पतित पावन आओ, परंतु फिर भी हैं भक्ति मार्ग क्या? बुद्धि कभी एक के पीछे भागती है, कभी बुद्धि दूसरे के पीछे भागती है। तो भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग तो तब कहें जब लगातार बुद्धि एक के पीछे भागे, पक्का हो जाए, तब कहेंगे ज्ञान मार्ग, नहीं तो भक्ति मार्ग। तो बताया भक्ति मार्ग होने के कारण फिर भी कहते हैं पतित पावनी गंगा। किसके पीछे पड़ते हैं? ज्ञान गंगाओं के पीछे पड़ते हैं, समझा? किसके पीछे पड़ते हैं? ज्ञान गंगाओं की तरह बुद्धि बार बार भागती रहती, वो है पतित पावनी। अरे वो कहां से पतित पावनी होगी? वो तो पानी की गंगा है, या उनमें से कोई उनके पानी को, उनके ज्ञान जल को बिलोएंगे तो मक्खन निकलेगा? नहीं, पानी को बिलोने से मक्खन थोड़े ही निकलता है। उनके मुख से तो जो निकलेगा ना, सुनी सुनाई बातें निकलेंगी, या मनन चिंतन मंथन करके नई बातें निकालेंगी, क्या करेंगी? वही पुरानी बातें, सुनी सुनाई बातें। और सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने बावन बताई दिया दुर्गति पाई। तो वो ज्ञान गंगाओं को पतित पावनी समझ लेते हैं, और उन्हीं के पीछे प्रैक्टिकल में भागती रहती है बुद्धि क्या? हाँ, कान कान भी उन्हीं की बातें सुनने के लिए भागते रहते हैं। मोबाइल से बातें करेंगे, धड़ाधड़ मोबाइल से बातें करेंगे। बताया। तो देखो फिर भी तू कहेंगे कि भक्ति मार्ग में है ना, बुद्धि इधर उधर भागती रहती है, एक जगह बुद्धि टिकती नहीं। एक से ज्ञान सुनते हैं कि अनेकों से सुनते हैं? अनेकों से बातें करने की दिल होती है, क्या होता है? अनेकों के पीछे बुद्धि भागती रहती है। तो भक्ति मार्ग होने के कारण फिर भी कहते हैं पतित पावनी गंगा, मानते ही नहीं, कितना भी समझाओ। तो जाते हैं फिर भी गंगा के पास, क्या? गंगाएं भी नंबर वार है ना, जमुना, जमुना नदी कहो, सरस्वती नदी कहो, ब्रह्मपुत्रा नदी कहो, गंडक नदी कहो, सरयू नदी कहो, कावेरी नदी कहो, नहाने जाते हैं कि नहीं? तो उनमें ज्ञान समझ करके जाते हैं, या ये समझ के जाते हैं कि इससे हमारी आत्मा पावन बन जाएगी? देह की सफाई, देह का जो मलमूत्र है वो उनमें साफ हो जाएगा, इसलिए बुद्धि 20-20 बार भागती रहती है उनके पीछे, कैसे भी करके हमारा जो अंदर से इंद्रियों से क्या निकलता है, 9 इंद्रियों से गंध निकलती है ना, वो गंध सारी इनमें हम डाल दें, किनमें? नदियों, जैसे आग लगी रहती है कि नदियों में जाए, ठंडे ठंडे पानी में और नहाए, और सारी गंधों में अपने अंदर की सारी गंधों से ढकेल दें। वहां जाकर के फिर गुटका खाते हैं, डुबक डुबक डुब, डुबक डुबक डुब, डूबते रहते हैं। कौन गुटका खाते हैं? जो यहां से चले जाते हैं, फिर बताया ना, जो यहां से चले जाते हैं तो फिर उनको बताया बाबा ने पिछले पहले बताया था ना, क्या मिट्टी के तेल में जंग साफ करने के लिए उनको जिसे लोहे में जंग लग जाती है ना, तो काय में डालते हैं? मिट्टी के तेल में डालते हैं, तो जंग साफ हो जाए। अब मिट्टी का तेल कहो, पानी कहो, क्या अंतर है? पानी थोड़ा ठंडक देगा, और मिट्टी क्या करेगी? मिट्टी का तेल वो तो आग लगाएगा, बढ़ाएगा कि घटाएगा? वो तो और आग बढ़ाएगा। तो देखो कितना घुटका खाते हैं, कितनी डुबकियां मारते हैं। कैसे मारते हैं पता है? जब जाएंगे गंगा में तो नाक भी बंद करेंगे, कितनी भी गंध उड़ती रहे दुनिया में, लोग छी 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 थू 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 करते रहे, नाक बंद कर लेंगे, हमें हमें कोई गंध नहीं आ रही क्या? कान भी बंद कर लेंगे क्या?
हम किसी का नहीं सुन, जैसे मुसलमान होते हैं ना, कान बंद कर लेते हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे, है? हमें तो जो करना है सो करेंगे, आंख भी बंद कर लेते हैं। क्या नहीं मालूम गुटका कैसे खाते हैं? ऐसे करके, ऐसे आंखें बंद करते, कान में अंगूठा दे करके, मुंह भी बंद करके, बुप डुब, ऐसे करके डुबक मारते हैं। दुनिया क्या कहती है, कितने लांछन लगाती है, माई बाप का नाम कैसे बदनाम कर रहे हैं ये, वो कुछ नहीं देखते, बस डुबक डुबक। तो देखो गुटखा खाते रहते हैं, समझा ना? तो इसको कहा जाएगा अज्ञान। क्या कहा जाएगा? ज्ञान के अज्ञान, इसको कहा जाएगा अज्ञान। फिर ऐसे गुटखा खाने से दुखी होंगे या सुखी होंगे? दुख बढ़ता ही जाता है, क्योंकि ज्ञान से सुख होता है, अब ज्ञान तो है नहीं। क्यों? ज्ञान कहां से आता है? अरे ज्ञान तो एक से आता है, कोई कोई पकड़ लो एक से ज्ञान आ जाएगा। अरे ऊंचते ऊंचे जो है भगवंत कहा जाता है, हेवनली गॉडफादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं, है उसको पहचान करके, जान करके, मान करके, जैसे चलाए, जैसे डायरेक्शन दे, वैसे चल करके, है? और ज्ञान धारण करेंगे तो क्या होगा? सुखी होंगे। एक से सुख मिलता है और बाकी सबसे कोई गारंटी नहीं कि हमेशा सुख ही मिले। भले वो आकर के एक को आप समान बनाता है 100%, फिर भी क्या गारंटी है कि 84 जन्म लगातार वो सुखी ही देगा? देगा है? हाँ, अंतिम जन्म में जाकर के वो भी सारी दुनिया के लिए दुखदाई बन जाता है। 21 जन्म के आधार पर सुख देता है, लेकिन पूछा ये कि 21 जन्म के आधार पर सुख लेने वालों में से कोई ऐसी आत्मा है जो उससे लगातार सुख ही ले, सुख ही ले, पूरे कल्प में कभी दुख न ले, ऐसी कोई आत्मा है? लास्ट में कौन आत्मा है? कौन है आत्मा ऐसी जो सुख लेती है, दुख लेती ही नहीं? हाँ बताओ बताओ। अरे किससे लेती है सुख? किससे है सुख? देह और देह की इंद्रियों के बगैर लिया जा सकता है? लिया ही नहीं जा सकता। वो कान से सुनती है शिव बाप की बात, दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा, कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा, उनके द्वारा डायरेक्ट सुनती भी नहीं। सुनाता कौन है? अरे ब्रह्मा कुमारी फर्स्ट क्लास सुनाती है, ब्रह्मा की औलाद, कि ब्रह्मा डायरेक्ट सुनाते हैं, है? कौन सुनाता है? हाँ ऊपर वाला, ऊपर वाला सुनाता है, कैसे सुनाएगा वो, उसको तो मुख ही नहीं है, है? ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा तो मारा गया, प्रजापिता को कहां से सुनाएगा? दादा लिख रहा है, ब्रह्मा शरीर छोड़ देते हैं तभी तो प्रजापिता तुमने लिखा ना, तो वो तो शरीर छोड़ गया, सुनाएगा कैसे? हैं? परम ब्रह्म के द्वारा। अच्छा परम ब्रह्म किसे कहेंगे? परम माने बड़े ते बड़ा ब्रह्म। किसको कहेंगे पर बड़े से बड़ा ब्रह्म? कौन सी आत्मा ऐसा पार्ट बजाने वाली है जिसको कहेंगे बड़े से बड़ा ब्रह्म? प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा, अम्मा माने अम्मा का चोला भी होना चाहिए, चोला पुरुष को
तो उसको अम्मा कोई मानेगा? बता। हाँ, कौन है? शिव अम्मा। अरे शिव आत्माओं का बाप है, तो वो आत्मा पुरुष है कि स्त्री है? पुरुषों का बाप है तो वो अम्मा कहां से हो गया? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे परम ब्रह्म का पार्ट प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा किसका हुआ? फिर वही प्रजापिता। अरे प्रजापिता स्त्री चोला है? स्त्री चोला तो है नहीं, प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा कहा जाता है ना। दादा लेखराज वो परम ब्रह्म है, दादा लेखराज उसमें प्रवेश करता है प्रजापिता में, इसलिए परम ब्रह्म हो गया। भूत प्रेत प्रवेश कर जाए सूक्ष्म शरीरधारी तो वो परम ब्रह्म हो जाता, तो गुलजार दादी हो गई परम ब्रह्म। अरे परम माने बड़े इति बड़ा, क्या छोटा मोटा नहीं, थोड़ी आत्माओं को सुख देने वाला नहीं, उससे ज्यादा आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को सुख देने वाली कोई पार्ट बजाने वाली सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा ऐसी स्त्री चोला वाली हो ही नहीं सकती। वो नाम बताओ, हमको पता नहीं, तुमको पता हो तुम बताओ, हमको भी पता नहीं। अच्छा जगदम्बा स्त्री चोला है या नहीं? और 500 700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी अम्मा है या नहीं? हा? और सबको सुखदाई होती है या नहीं होती है? सबको सुखदाई भी होती है, तो जब सबको सुखदाई होगा तो सबको दुखदाई भी, दुखदाई भी होता है। जो सुख देगा सो दुख नहीं देगा, देहधारी क्या करेंगे? देहधारी जो है सुखदाई होंगे तो दुखदाई भी होंगे, वो तो हिसाब किताब उनका चलता ही रहता है देहधारियों का। क्या किसी ने दुख दिया तो बदले में कभी अगले जन्म में सुख देना पड़ेगा ना, किसी ने सुख दिया तो अगले जन्म में। हाँ तो ये हिसाब किताब है देहधारियों का। तो जो जगत की अम्बा है जगत पिता के साथ वाली, वो परम ब्रह्म हुई कि नहीं, कि उससे भी ज्यादा कोई अम्मा बड़ी हुई? अम्मा ज्यादा प्यार देती है कि कोई दूसरा संबंध ज्यादा प्यार देता है? हाँ प्यार देती है। वैसे भी देखो बाबा ने तो पहले ही बताई दिया मुरली में, क्या बताई दिया? प्रजापिता से वर्षा मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से सब बच्चों को नंबर वार वर्षा मिलता है, तो वर्षे की खुशी होती है कि नहीं? आ, तो बताया गोई को ज्ञान तो है ही नहीं कि हम किसके बच्चे हैं। अरे माता पिता का पता तो होना चाहिए ना, ऊंचे ऊंची सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला पुरुष तन से पिता कौन, और प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला स्त्री तन से माता कौन, नहीं पता होना चाहिए? पता होगा तभी तो मानेंगे, और मानेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो वर्षा लेंगे, जानेंगे नहीं पहचानेंगे नहीं तो वर्षा कहां से लेंगे? अरे नारी से भाई कहते हैं जरासंध बना दो, चीर फाड़ के आधा आधा कर दो, भीमसेन ने जैसे जरासंध को दोनों टांगे फाड़ के आधा आधा कर दिया था ना। अरे भाई ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं है क्या? ये तो कवियों की समझाने की भाषा है क्या? अर्धनारी से आधा तन स्त्री का आधा तन पुरुष का, माना ये विष्णु रूप में पार्ट बजाने की बात है क्या? कि दो आत्माएं मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक ही जैसा पार्ट बजाती हैं, तो उनको कहा जाता है अर्धनारी से। बाकी ऐसे नहीं है कोई कोई फेविकोल से आधे आधे शरीर जोड़ दिए जाते हैं,
ऐसे होता है क्या? नहीं। तो बताया ये सब अज्ञान की बातें बुद्धि में भरी हुई हैं, ज्ञान का सूरज चमके तो फिर बाप को याद करे है। अब ज्ञान का सूरज तो चमकता ही नहीं, वो तो घोर 12 बजे रात के अंधेरे में चमक है, दिखाई पड़ती है, अरे एक किरण भी नहीं दिखाई पड़ती। प्रकाश की कोई किरण दिखाई पड़ती नहीं, भी दिखाई पड़ती, तो चमकता तो है ही नहीं, तो फिर बाप को कैसे याद करेंगे? देखेंगे, जानेंगे, है कुछ दो शब्द कानों से सुनेंगे, तब ही तो कहेंगे कि हाँ जाना पहचाना। बताया, क्या बताया? जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो जो आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने, तो कहेंगे बाप आ गया। हाँ, तो बाप को तो याद कर ही नहीं सकते जब तक ज्ञान सूर्य चमके नहीं है। और पतित पावनी, हाँ, और ये जो जाते हैं वो गंगा के ऊपर जाते हैं, यही बिल्कुल सिद्ध होता है बिल्कुल कि गंगा पतित पावनी थोड़े ही है, उसमें कहां से ज्ञान की चमक आ जाएगी? पानी में कोई चमक आती है क्या? रोशनी आती है ना? आती है? नहीं आती है। वो तो सागर है। क्या सागर में जब बड़वा नल होता है, है? सागर के नीचे जमीन होती है कि नहीं? और जमीन के नीचे से भूकंप होता है ना धरणी में, तो वो ज्वालामुखी फूट पड़ता है, तो पृथ्वी के एकदम बीच में लावाई भरा हुआ आग भरी हुई है। अरे जन्म जन्मांतर दुख भोगा है ना बच्चों के द्वारा, तो आग भरी हुई होगी नहीं कि ये बच्चे हमको ही दुख देते हैं, हम इनको इतना प्यार करते हैं तो भी हमें दुख दे, तो आग भरी हुई है कि नहीं? तो वो आग निकल पड़ती है, निकल पड़ती है समंदर में से, और ऊपर आग आती है तो फिर वो अगर कहीं पास में मिट्टी के तेल का कुआ भी फूट पड़ा तो आग लगेगी कि नहीं? तो चारों तरफ समंदर में बड़वा नल जिसे कहा जाता है, आग ही आग पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई पड़ेगी कि नहीं? तो वो तो सागर की बात है। हाँ, तो वो तो सागर वो ही है, कौन? जो ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट ज्ञान की रोशनी लेता है। तो देखो, गंगा पर जाते हैं स्नान करने, और फिर कीर्तन करते जाते हैं, ताली बजाते जाते हैं, हैं? पतित पावन सीता, पतित पावन सीता, रघुपति राघव, जैसे गांधी जी बजाते थे ना, हाँ, उनके पीछे पीछे जितनी जेंट्री थी, क्या कितनी थी जेंट्री मालूम है? 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हत भागों के राधा वल्लभ श्री प्राण। अरे वो राधा वल्लभ हो गए भक्ति मार्ग के गांधी जी, अरे ज्ञान मार्ग के गांधी जी तो पहले राधा वल्लभ हो जाए। राधा तो उनकी बेटी होती है कि उसके वल्लभ बनेंगे है? हाँ, बताया कि एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ताली बजाते जाते हैं और गीत गाते जाते हैं, कीर्तन करते जाते हैं। कोई गंगा यमुना को तो नहीं कहते हैं ना पतित पावनी है? किसको कहते हैं? सीताराम को कहते हैं ना। हाँ, तो जरूर जो गायन है, कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, तो कभी पतित पावन बने होंगे ना प्रैक्टिकल में? नहीं बने होंगे, तो एक बने होंगे कि दो बने होंगे? सीताराम दो नाम है कि एक नाम है? ये तो दो नाम हो गए। अभी तो तुम कहते थे एक से पतित पावन बनते हैं, एक का ज्ञान सुनेंगे तो पतित से पावन बनेंगे। हाँ,
अरे प्रैक्टिकल में एक चाहिए, ये नहीं एक बिंदी है, एक मुकर्रर रथ है और पुरुष चोला है। नहीं, पुरुष चोला और बिंदी हो उसके अंदर प्रवेश, और वो भले खुद भी बिंदी हो, तो प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे पक्का। प्रवृत्ति मार्ग पक्का कब कहेंगे? दोनों हो, स्त्री चोला भी हो और पुरुष चोला भी हो, दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो करके चलें तो कहेंगे प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। विष्णु कह दो तो बताया कि ऐसे पत्थर बुद्धि सीताराम को पतित पावनी कहते हैं, फिर गंगा जी को पतित पावनी कहते हैं, बुद्धि में बात बैठती नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गई, सीताराम को क्यों कहते हैं पतित पावनी? अरे चुप, अरे एक पतित पावन की दो दो पतित पावन, फिर ये दो क्यों नाम लेते? दो का गायन क्यों है? और ये गायन पूजन यादगार कहां का होता है? संगम युग का। तो संगम युग में ये दो हुए थे क्या? स्वभाव संस्कार से दो हुए थे, एक दो एक हो गए थे। कैसे? कि प्रजापिता से जब तक वो माता न मिले, जो जन्म जन्मांतर है उसे एक बाप के साथ ही रहने वाली है। अगर नहीं भी रहती है तो सन्यासी बन के रहती है। क्या उसका तो विरोध है? वरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी। कुंवारी हुई तो सन्यासी हुई या प्रवृत्ति मार्ग की हो गई? सन्यासी। तो बताया कि वो एक है ऐसी आत्मस्वरूप धारण करने वाली, जो आत्मिक स्थिति में रहती है, वो है परा प्रकृति है? और दूसरी है अपरा प्रकृति। परे ते परे नहीं है, माना ऊंचते ऊंच परे ते परे स्टेज में नहीं रहती है। जो नीचे ते नीचे पार्ट बजाने वाले 500 700 करोड़ जो भी बच्चे हैं, सब की अम्मा है, तो सब का संग करती है कि श्रेष्ठ का ही संग करती है? सब का संग करती। तो एक है आत्मिक रूप और दूसरी है देह का रूप। तो दोनों का मेल जब तक न हो तब तक जगदम्बा कहेंगे। कोई कहे कि देह तो है उसमें आत्मा नहीं, तो न जगदप्पा है न जगदम्बा है। देह भी चाहिए और देह के साथ है मातमा भी चाहिए। तो देह है प्रकृति माता और आत्मा है पुरुष। तो दोनों के मेल से जो प्रैक्टिकल जीवन चलता है तब कहा जाता है स्त्री और पुरुष, माता और पिता। तो बताया कि न पतित पावनी गंगा है, न कोई नदी है, पतित पावन तो सीताराम ही है। जब तक वो सीता वाली आत्मा जो राम वाली आत्मा है, है पतित शरीर वाली थी, शरीर से भी पावन बनती है, शरीर रूपी नैया भी पावन बनती कि नहीं? नैया भी पावन बनती है और आत्मा भी पावन बनती है। हाँ, लेकिन पुरुष चोला है, तो वो स्त्री चोला वाली हाँ जो माता है जिसमें से देवान क्या कुछ न कुछ रहता है या नहीं? थोड़ा बहुत तो देवान रहता ही है। तो वो माता जो है वो जगदम्बा से मिलकर के एक हो जाए तो कहते हैं उसको जगत जननी। माता कौन सी? आत्मा भी और शरीर भी। तो देह रूपिणी वो धरणी माता जिसे कहते हैं पृथ्वी माता, और आत्मिक रूप में जिसे महाभारत में क्या नाम दिया है? कुंती। क्या कुंती का अर्थ क्या है?
कुंत, कुंत कहते हैं जो देवान को फाड़ के रख दे, उसको कहते हैं कुंत। हाँ, देहम दारयते उसको कहते हैं कुंत, और वो स्त्री चोले में है तो वही कुंती। कैसा पार्ट बजाया महाभारत में, कैसा दिखाते हैं, द्रौपदी के रूप में पार्ट बजाया कि भाई हमें तो साथ ही रहना है देहधारियों के, और कुंती ने कैसा पार्ट बजाया, अरे भले अपने पेट से पैदा हुए बच्चे हैं, मैं उनको पालना भी दी है जिंदगी में, प्यार भी बहुत दिया है, लेकिन फिर भी अपने कुल की कान बचानी है, ससुर घर का नाम बाला करना है या नहीं करना है, है? कि छोड़ के चला जाना है, तो कुल की कान बचाती है, तब तक कुल में रहती है जब तक दोनों कुल, पांडव कुल और कौरव कुल, दोनों मिलकर के एक न हो जाए। अच्छी भावना हुई या बुरी भावना हुई, अच्छी भावना। तो देखो, समझते नहीं है कि पतित पावन सीताराम क्यों कहा जाता है, माने सीताएं भी दो हो गई। रामायण में क्या दिखाते हैं, सीता को जब रावण ले गया तो मेटल की सीता को ले गया या असली सीता को ले गया, है? सोना मेटल की सीता बनाए के रख दी मूर्ति, और उसमें प्राण फूंक दिए, उसको रावण ले गया मेटल की सीता, और जो असली सीता थी उसको कहा तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचरनासा, जब तक मैं इन निशाचरों का, राक्षसों का, दैत्यों का दुनिया से नाश कर दूं, तब तक तुम पावक में, अग्नि में, योगाग्नि में, ज्ञान अग्नि में निवास करो। देखो, समझते नहीं है कि वो सीता कौन सी है, वो सीता देह रूपिणी भी है और आत्म रूपिणी भी है, दोनों का मेल है प्रैक्टिकल, तब वो जगत जननी कही जाती है। सीता ने स्तुति की ना रामायण में, क्या जग जननी जय जय उमा, जग जननी जय जय, अब उमा तो पार्वती को कहा जाता है, तो पार्वती जग जननी हुई या जगदम्बा पृथ्वी जग जननी हुई, कौन हुई, दोनों। हाँ, जग जननी जो है वो जगदम्बा नहीं हो सकती जब तक उसमें देहभान खलास न हो, देहंकार खलास हो और आत्मिक स्थिति में आए तब ही क्या कहेंगे असली जग जननी, क्योंकि पृथ्वी जो पृथ्वीव्यापी चौड़ी बनती है, पहले तो छोटी सी कन्या होती है ना, भारत क्या था, कन्या का रूप थी, है? या पृथ्वी के समान चौड़ी होती गई, क्या थी, भारत तो छोटा था ना, कन्या जैसी थी ना, हाँ, पवित्र थी, तो वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र है, एक के सिवाय और किसी दूसरे का संग ही नहीं, वो तो द्वापर कलयुग की ये भांति है कि पतित तो सब होते हैं, लेकिन एक से पतित होना, हाँ, ये तो कायदा है किस दुनिया का, द्वापर और कलयुगी नारकी दुनिया का कायदा है ना, तो कायदे कानून के अनुसार हुआ या बेकायदे हुआ, कायदे कानून के हुआ। तो बताया कि वो पृथ्वी माता जो बहुत विस्तार पाती है, ढेर के ढेर सात महाद्वीप बन जाते हैं बड़े बड़े, जिनमें विधर्मियों की पालना करने के निमित्त बन जाती है, और वो भारत माता किसकी पालना करती है, भारतवासियों की पालना करती है, तो वो हुई वैष्णवी शक्ति, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं क्या, किसको सपोर्ट करता है, देवताओं को कि राक्षसों को, देवताओं को सपोर्ट करता है, और पृथ्वी किसको सपोर्ट करे, पृथ्वी पर तो देवताएं भी रहते थे,
और देवात्माएं अभी भी रहती हैं, भले असुरों के संग में रहती है और असुरों के साथ भी रहती है। तो वो सारे जगत की माता हुई ना, वो सारे जगत में देवताएं और दैत्य दोनों आ गए कि नहीं आ गए? तो इन बातों को पत्थर बुद्धि नहीं समझते। देखो इसको ही कहा जाता है बिल्कुल ही अति पत्थर बुद्धि, यानी बेसमझ, कुछ भी समझ नहीं है मनुष्यों में। क्या क्या नहीं समझ है? कि माता कौन और पिता कौन? अरे पिता पुरुष होगा, आत्मा होगा या आत्मा नहीं होगा? पुरुष किसे कहे? पुरुष माने आत्मा। तो दो आत्माओं का मेल है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जिसे कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। एक निराकार सदाकाल सदाशिव, और एक साकार भी है और फिर पुरुषार्थ पूरा होने पर निराकार भी बन जाता है। तो वो परम पिता शिव और प्रजापिता, इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, दोनों मिलकर के एक शरीर में पार्ट बजाते हैं, तो उनको कहा जाता ऊंच तय ऊंच भगवन। फिर भगवती भी चाहिए कि नहीं? तो भगवती भी दो चाहिए कि एक चाहिए? भगवती भी दो, एक जगदम्बा और एक भारत माता, एक आत्मिक रूप में रहने वाली और एक देह रूपणी, लंबे समय तक देह रूप का पाठ बजाती। तो दोनों मिलकर के जब एक हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण माता। ऐसी माता कहेंगे परम ब्रह्म, और देह हो और आत्मा हो ही नहीं तो परम ब्रह्म कहेंगे नहीं। समझा? परम ब्रह्म कौन? परम ब्रह्मा। और परम पिता कौन? प्रैक्टिकल में शरीर के साथ। अब समझ में आया? तो दुनिया को कुछ भी समझ नहीं है, इसलिए बेसमझ मनुष्य को इसीलिए कहा जाता है क्या, कि शकल तो मनुष्य की है, सूरत मनुष्य की है, लेकिन इनकी चलन इनकी सीरत बंदर की है। क्या बंदर होता है ना, क्या खासियत होती है बंदर की? ना आंखें इतनी चंचल, इंद्रियां इतनी चंचल, एक जगह स्थिर होकर के बैठ नहीं सकती, सारे विकार बंदर में भरे हुए होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितने बंदर में होते हैं उतने और किसी में प्राणी में नहीं। इसलिए वो कवियों ने रामायण में कहा, वाल्मीकि ने कहो या तुलसीदास ने कहो, दिखाई दिया है कि भगवान ने आकर के किसकी सेना ली? उन्हीं बंदरों की सेना ली जो इस दुनिया में बड़े से बड़े विकारी होते हैं। हाँ, देखने में छोटे छोटे लगते हैं लेकिन कुलांच बड़ी ऊंची मारते हैं। कुलांच माने हाई जंप, हाई जंप लगाते ही नहीं। हाँ, तो ऐसे बंदर बने पड़े। तो देखो तो बाप बैठ करके अभी सिद्ध करके बताते हैं। क्या सिद्ध करके बताते हैं? है कि इन मनुष्यों की इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे बाहर की दुनिया में हैं, चाहे जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं या चाहे जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, ये क्या हैं? है मनुष्य हैं या बंदर हैं? क्या कहें? हैं बंदर मिसल हैं, चंचल बुद्धि है, बुद्धि एक जगह टिकती नहीं। अब जब बुद्धि एक जगह नहीं टिकेगा तो मन टिकेगा? मन भी नहीं, मन तो और भी ज्यादा चंचल। फिर आंखें, आंखें टिकेंगी? अरे आंखें तो बड़ी बुलंद, बहुत ही ज्यादा चंचल बनती है। फिर सारी इंद्रियां, सारी इंद्रियां बड़ी चंचल। तो देखो बाप तो सिद्ध करके बता दिया कि सारी दुनिया में ऐसा, दुनिया में सारे मनुष्य मात्र प्राणी मात्र क्या है? एकदम
तुच्छ एकदम पतित। बताया शिकल मनुष्य की देखने में आती है, लेकिन सीरत इनकी चलन सारी कैसी है, बंदर मिसल है। देखो वो तो महिमा करते हैं भक्ति मार्ग, क्या पतित पावन सीताराम। अरे जन सीता और राम की आत्माओं की तुम इतनी महिमा करते हो, वो अभी क्या है, सन 67 में क्या है और सन 2019 और आज कितनी 13 अप्रैल की तारीख तक क्या है, 14 अप्रैल, हाँ 14 अप्रैल तक क्या है, वो पतित पावन सीताराम जिनका गायन करते हो वो अभी क्या है। छिकल से है, सूरत से मनुष्य हैं, इंसान देखने में आते हैं कि बंदर हैं, बंदर बनरिया है, वो नाटक दिखाते हैं ना, वो मदारी लोग दरवाजे दरवाजे पे जा करके है, एक बंदरा एक बंदरिया पकड़ लेते हैं है, और उनको बांध लेते हैं गले से, और एक डंडी लेकर के है, छड़ी लेकर के बस उनका डांस दिखाते हैं घर घर में जाकर के। तो ये डांस हो रहा है कि नहीं, बंदर बनरिया का डांस हो रहा है। और बंदर बनरिया क्या समझते हैं, अरे जो कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ लो, लड्डू तुमसे क्या पूछेंगे, अरे पूछने वाला बताने वाला ऊंचे से ऊंची आत्मा एक सदा शिव है या देहधारी आत्मा है, है? कौन है, सदा शिव है। तो बताया दुनिया में महिमा तो बहुत करते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावनी गंगा, पतित पावनी जमुना, पतित पावनी सरस्वती, पतित पावन, जितने भी नदियों में भारत में स्नान करने जाएंगे तो पतित पावनी समझ करके जाते हैं। बाप कहते हैं ये सब भगत हैं, भगत कभी किसी की महिमा करेंगे, कभी किसी की महिमा करेंगे, ठीक है ना बच्ची। बच्ची से सही साबुती करवाते हैं, क्योंकि बच्चों की तो बुद्धि बहुत चलती है, घड़ी घड़ी दूसरा प्रश्न खड़ा कर देंगे, इसलिए ठीक है ना बच्ची। हाँ अभी मनुष्य मनुष्य की महिमा करते हैं, किसकी महिमा करते हैं, अभी इस दुनिया में मनुष्य किसकी महिमा करते हैं, भगवान की महिमा करते हैं या देवताओं की महिमा करते हैं। कोई देवता बना, कोई भगवान भगवती देखने में आता है, एक भी नहीं भगवान भगवती कोई को भी नहीं देखने में आता। अच्छा नंबर बार देखने में आवेगा कोई को भी नहीं आवेगा, अरे आवेगा ना, हाँ नंबर बार तो देखने में आवेगा। हाँ ये है कि वो नंबर यज्ञ के आदि में ओम मंडली में बनाते थे माला, फर्स्ट क्लास 8 की माला बनाने की कोशिश करते थे, 108 की माला बनाने की, और टूट जाते थे, क्योंकि उस समय तो 450 ही निकली थी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ज्यादा तो नहीं, तो 16,000 की माला भी तो बनने की बात ही नहीं है, प्रैक्टिकल जितने होंगे उन्हीं की माला बनाई जाएगी ना, गुड़ियों की नंबर बार माला बनेगी ना, हाँ कोई लेफ्टिस्ट कोई राइटिस्ट पार्ट बजाने वाले, तो आज में तो बनी नहीं, तो अब अंत में बनने वाली है या नहीं है, अब जल्दी ही माला संसार में प्रत्यक्ष होगी, सारी दुनिया सब धर्मों के आगे ये माला प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि सब धर्म वाले यादगार में माला घुमाते हैं कि नहीं, तो किसकी यादगार में घुमाते हैं, वही श्रेष्ठ आत्माएं नंबर वार निकलती है जो उस एक बाप को पहचानती है। कौन एक बाप, जो निराकारी भी है निर्विकारी भी है और फिर साकार शरीर में प्रवेश करके उसको साकारी को भी निराकारी बना देता है, शरीर भी निराकारी स्टेज वाला बन जाता है या साकारी रहता है, निराकारी लाइट का गोला हो जाता है। तो बताया उस स्वरूप को पहचानना वो है महिमा की बात,
तो नंबर वार पहचानेंगे ना, अब नंबर प्रत्यक्ष होने वाले हैं बहुत जल्दी। बताए भी दिया, कितना टाइम रह गया है, कितना टाइम रह गया, हाँ बताए दिया, खोल खोल के बताए दिया, 20 साल तो है ही नहीं, अब तो सिर्फ 10 साल हैं। 10 साल में वो निराकारी स्टेज धारण करने वाले जो रुद्राक्ष के मन के हैं, रुद्र की आंखें, अक्ष माने आंख हैं, वो रुद्र की आंखें, क्योंकि रुद्र तो शिव का नाम है ना वास्तव में, तो शिव को अपनी आंखें तो है नहीं, तो कोई साकार में मनुष्य होंगे ना जिनकी आंखों से वो देखता है, है? देखता है कि नहीं, ये फर्स्ट क्लास बैठा है, ये फर्स्ट क्लास देवी देवता बनने वाला है, ये फर्स्ट क्लास राक्षस है, देखने में आता है कि नहीं उन आंखों को, और वो आंखें देखती हैं, और वो निराकारी बाप को बताती हैं, बाबा ऐसे ऐसे है क्या, हाँ बाबा कहते हैं आज तुम हमें लगातार मेरे सामने बैठ के नहीं बता सकोगे कि एक घंटे तुम लगातार निराकारी स्टेज में बैठ जाओ, हा? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मुझे ज्योति बिंदु सदाशिव के सामने बैठ जाओ, हाँ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो बताया कि दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य की महिमा करते हैं, कोई देवताओं की महिमा करते हैं क्या, देवताओं को जानते ही नहीं, भगवान भगवती की महिमा करते हैं, जानते ही नहीं कि भगवान कैसे आकर के भगवान भगवती बनाते हैं, और जो भगवान ऊंचते ऊंच एक ही है, क्योंकि एक ही भगवान कहा जाता है, भगवान कभी डबल नहीं होता है, वो तो टाइटल दे देते हैं भगवान के साथ भगवती, मनुष्यों को टाइटल दिया जाता है, तो न कोई भगवान है इस सृष्टि पर न कोई देवता है, अगर महिमा करते हैं तो किसकी महिमा करते हैं, मनुष्य मनुष्य की महिमा, भले वो मनुष्य सीरत से बंदर जैसे बने पड़े, तो भी बताया तो मनुष्यों में देवताओं में भगवान भगवती में और असली भगवान में जो एक ही भगवान गॉड इज वन कहा जाता है, उनमें फर्क तो होगा ना, फर्क नहीं होगा, हाँ फर्क तो होता ही है, जरूर फर्क होंगे, तो देखो वो पूज्य है देवता है, 16 कला संपूर्ण बनने वाले हों, कलातीत विष्णु कुल के हों, भगवान भगवती बनने वाले हों, संसार भगवान भगवती के रूप में शंकर पार्वती के रूप में प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे, दूसरे धर्म के वाले भी जानेंगे ये हैं आदम और हव्वा, एडम और ईव, तो जानेंगे, तो वो देखो फर्क तो हो गया ना मनुष्यों में देवताओं में भगवान भगवती में और असली भगवान, तो फिर पूज्य और फिर जो पुजारी हैं वो महिमा करते हैं, समझ में आया ना, ये जो तालियां बजा बजा के कीर्तन करते हैं महिमा करते हैं गीत गाते हैं है, वो कौन है, भगत हैं के ज्ञानी हैं, भगत हैं, इसलिए बाबा ने मना कर दिया, क्या गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत कानों से सुनना भी नहीं, क्यों नहीं गाना है, अरे बाबा ने तो बताया था मुरली में कभी अवस्था खराब हो तो क्या करो, हाँ अच्छे अच्छे हाँ गीत निकालो और बजाओ तो सुन करके तबीयत प्रसन्न हो जाएगी, अरे वो समय चला गया कि अभी चालू है, अरे तो अभी तो सामने विनाश खड़ा हुआ है, क्या अभी ताबड़तोड़ शुरू हुआ कि हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है कि नहीं, शुरू होगी ना, हाँ तो फिर सुख से चैन से है, जो राज्य करने वाले हैं उनको मिलिट्री को मिलिट्री मार्शल को और प्रजा को चैन की नींद सोने देंगे, नहीं सोने देंगे, तो बताया कि अभी सारी दुनिया भगत है, कोई भी पक्का ज्ञानी नहीं, पक्का ज्ञानी बताया मालूम हुआ किसको कहा जाता है, पक्का ज्ञानी उसे कहा जाता है जो सब कुछ जानता हो,
माना जो कहे कि मैं पक्का ज्ञानी हो गया, मुझे सब कुछ सब बातों का जवाब दूंगा, तो फिर उससे पूछो तुम अपनी देह की आत्मा के 84 जन्मों की कथा कहानी बताओ, कौन कौन से जन्म में किस किस नाम से किस किस चोले से जन्म लिया था वो बताओ, तो बता पाएगा कोई? तो ज्ञानी हुआ, सब कुछ जानने वाला हुआ? नहीं। ओम शांति।